80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए। मिडिल क्लास की नौकरियां गई हैं, उनकी सैलरियां कम हो गई हैं, इसके बाद भी टैक्स लिया जा रहा है और पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाकर इन योजनाओं के लिए पैसा लिया जा रहा है। क्या भारत को इतना कमजोर कर दिया गया है? यहाँ के बहुसंख्यक तबके को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिया गया है और ये देश को अपने कब्जे में रखने के लिए कितना सस्ता सौदा है ये। भारत में लॉकडाउन की वजह से एक झटके में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। इसी वजह से देश में ना सिर्फ आजादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन देखा गया बल्कि करोड़ों लोगों के भूखे मरने के हालात भी पैदा हो गए थे। इन्हीं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के साथ 1 किलो चना देने का ऐलान किया गया था। 30 जून को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस गरीब कल्याण योजना का नवंबर तक विस्तार करने का ऐलान किया है। काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है, त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। पीएम मोदी के संबोधन से पहले सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए थे और इसे डिजिटल एयर स्ट्राइक का नाम भी दिया जा रहा था। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। लेकिन यहाँ ये आस लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार चाइना को भी करारा जवाब देंगे जैसे वे पाकिस्तान को देते आए हैं। खैर, ऐसा तो नहीं हुआ। कांग्रेसी नेता गौरव वल्लभ ने इस ऐलान पर सरकार की कड़ी आलोचना की। क्या से क्या हो गया बीते 6 सालों में? हम पिछले 6 सालों में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष सृजित करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बुलेट ट्रेन चलने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में मेक इन इंडिया के शेयर की गर्जना की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते थे। हम बीते 6 सालों में पेट्रोल की कीमत को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर पर लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में विदेशों में पड़ा सारा काला धन वापस भारत में लाने की बात सुनते थे। हम बीते 6 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने की बात सुनते थे। और आज क्या हुआ? आज 60% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी को सरकार ने 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह हस्तांतरित करने की बात करी, क्योंकि सरकार को लगता है कि 60% से ज्यादा जनता आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या से क्या हो गया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करने वाले 5 किलो पर आ गए। ये बहुत ही अजीब बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और भारत सीमा विवाद और 15 जून की घटना के बाद अब तक कई बार संबोधन कर चुके हैं, पर प्रधानमंत्री ने एक बार भी चीन का नाम अपने किसी भाषण में नहीं लिया। आखिर ऐसा क्यों? अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो प्रधानमंत्री मोदी नाम लेकर ललकारते, लेकिन अब इतनी चुप्पी क्यों है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की, तो ये एक अच्छा कदम है, पर क्या इसके पीछे भी कुछ राजनीति है? प्रधानमंत्री मोदी ने छठ त्योहार का जिक्र किया जिसे ये कहा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन की तैयारी है। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में इस मुद्दे का विश्लेषण किया और कुछ अहम जानकारियां भी दी।
80 करोड़। अगर आप राजनीति को समझने वाले प्राणी हैं तो प्रधानमंत्री का टारगेट ऑडियंस आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बाकी के मिडिल क्लास को छोड़ दिया, बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। उन्होंने ईमानदार टैक्स पेयर को का शुक्रिया अदा किया इस लड़ाई में कि उनकी वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है। अभी दो दिन पहले ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े। ये टैक्स बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं क्योंकि इन गरीबों को मदद देनी थी। मिडिल क्लास की नौकरियां गई हैं, उनकी सैलरियां कम हो गई हैं, इसके बाद भी टैक्स लिया जा रहा है और पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाकर इन योजनाओं के लिए पैसा लिया जा रहा है। ट्विटर पर आम लोगों ने भी गरीब कल्याण योजना को लेकर होने वाली परेशानियों पर ट्वीट किया। एक ने लिखा, राशन कार्ड बनने के लिए ये फॉर्म 16 अप्रैल को जमा किया गया था, लेकिन राशन कार्ड बनाने के बजाय साइट व्यस्त तो कभी कार्य प्रोसेस में है, ऐसा बहाना बनाया। आज दिनांक 30 जून को ये फॉर्म वैसे का वैसा लौटा दिया गया। रायबरेली में गरीबों के साथ हो रहा इस तरह का मजाक। वहीं एक और ने ट्वीट करके लिखा कि माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ राशन वितरण में बहुत गड़बड़ी हो रही है, राशन वितरण में अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा तय अनाज है उससे कम दिया जा रहा है, कृपा करके इस विषय पे ध्यान दे, धन्यवाद। वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में पीएम मोदी के संबोधन पर बात की और ये भी विश्लेषण किया कि क्या ये गरीबों की भलाई के लिए काम है या सिर्फ एक साजिश। क्या भारत को इतना कमजोर कर दिया गया है, यहाँ के बहुसंख्यक तबके को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर दिया गया है और उसके बाद 2 जून की रोटी का ऐलान अगर सत्ता अपने तौर पर यह कहते हुए करे कि हम अब आपको मुफ्त में इतना भोजन देंगे और यही देश की पूरी इकोनॉमी हो जाए, तो क्या इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो सकती है? और यह देश को अपने कब्जे में रखने के लिए कितना सस्ता सौदा है ये? यानी इस देश का सच यह है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए में आप 80 करोड़ लोगों को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं क्या? या उनके दिमाग को कुंद करके रोजगार सारा छीन कर और एक ऐसे व्यवस्था पूरे देश में बना दी जाए जिसके बाद लगे कि वाकई 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इस देश का सच इसलिए यह अनूठा हो चला है क्योंकि मौजूदा वक्त का एक सच भारत का बार बार उस राजनीति को छूता है जिस राजनीति में लगता है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तो क्या यह माना जाए कि अब दिमाग में यह थ्योरी है कि इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था, इस देश के भीतर की इकोनॉमी, इस देश के भीतर का व्यापार, इस देश के भीतर का एजुकेशन, इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेसिक नीड्स को लेकर सब अगर हम खत्म कर देते हैं तो उसके बाद लोग भोजन के लिए ही तो हमारे सामने हाथ फैलाएंगे और उन 80 करोड़ लोगों को हम 2.25 लाख करोड़ रुपए में एक साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दे सकते हैं। कितना सस्ता सा गणित है ये। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मुफ्त राशन स्कीम को 2021 तक बढ़ा दिया है। इसको लेकर आज तक की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी एक ट्वीट किया, पर इन दोनों ट्वीट में एक फर्क देखने को मिला। जब पीएम मोदी के मुफ्त राशन ऐलान पर उन्होंने पहले ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की 2 सबसे बड़ी बातें, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा और नवंबर तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज, ये दोनों फैसले यकीनन बहुत अच्छे हैं। और जो इन्होंने ममता बनर्जी के लिए ट्वीट किया वो ये था, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने जून 2021 तक के लिए गरीबों को दी जाने वाली फ्री राशन योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को जून 2021 तक बढ़ा रही हूं। आपको बता दें 2021 में ही बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यकीनन इस दाम से चुनाव जीतने की कोशिश है। अगर मोदी जी ऐलान करें कुछ तो वह अच्छा फैसला, और वहीं अगर ममता जी ऐसा कुछ ऐलान करें तो वह चुनाव की तैयारी। पर बाद में चित्रा ने प्रधानमंत्री को लेकर एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, एक तीर से 2 निशाने, गरीब कल्याण भी और चुनाव भी। खैर, इस योजना से कई लोगों को लाभ होगा और कई लोगों को अभी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार जमीनी स्तर पर इस योजना पर काम करेगी और जिन लोगों को इनकी जरूरत है उन तक ये राशन जरूर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी।
like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.